उपस्थित मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय, विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्यगण एवं अभिभावक गण, दर्शक गण, आचार्य गण, मेरे छोटे भैया बहनों को, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आज आयुष्मान प्रधान एक ऐसे व्यक्ति का परिचय बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, और उस शख्स का नाम बाला साहेब देशपांडे है। बाला साहब का पूरा नाम रमाकांत केशव बाला साहब देशपांडे था। उनका जन्म 26 दिसंबर 1913 अमरावती के महाराष्ट्र में हुआ था। आज उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। बाला साहब नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास रखते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। वह 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तो फिर से राज्य सरकार की नौकरी में आ गए और उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश के वनवासी बहुल क्षेत्र जसपुर क्षेत्र में हुई। वहाँ उन्होंने वनवासियों को निर्धनता, अशिक्षा एवं बेकारी झेलते हुए देखा और 108 विद्यालय एवं वनवासियों की आर्थिक उन्नति के लिए अनेकों कार्यक्रम करवाए। 26 दिसंबर 1952 में उन्होंने जसपुर महाराज श्री विजय सिंह के महल में छात्रावास एवं विद्यालय खोला। वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य प्रारंभ किया। आज हमारे पूरे देश में वनवासी कल्याण आश्रम के हजारों प्रकल्प हैं। 1978 में वनवासी कल्याण आश्रम को राष्ट्र स्वरूप दिया गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।